पालक साग की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आप अपने घर पे बनाओगे तो सब कोई मांग मांग के खाएंगे, और वो भी खाएंगे जो साग को कभी छूते भी नहीं है। तो इसकी ये मेकिंग बहुत सिंपल है। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पालक साग को अच्छी तरीके से धो लेंगे, उसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और फिर उसे ग्राइंडर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग हरी मिर्च, अदरक और ये लहसुन डाल के और हल्का सा नमक इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे आपको हल्का ही ग्राइंड करना है। और फिर उसके बाद एक बर्तन में इसे हम लोग ऐसे निकाल के रख लेंगे। पालक साग अधिकतर ये होता है कि ये महिलाएं तो खा लेती हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, ना ही कुछ ये जो जेंट्स लोग रहते हैं वो खाना चाहते हैं। तो उसका मैं सल्यूशन आपके बीच में लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा का ये पाउडर डालेंगे, और फिर ये बेसन डाल के एक अच्छा सा हम लोग ये डो बना लेंगे, मतलब आटा जैसे इसको गूंद लेंगे। पालक साग मेरे यहाँ जिस दिन बनता था उस दिन कोई खाना ही नहीं चाहता था। ऐसा होता था कि सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, मम्मी ही खा रही है, उसके अलावा कोई छूता भी नहीं था। लेकिन ये इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद सब कोई मांग मांग के खा रहा है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट ही ये ऐसा है कि ये मतलब जो एक बार खाएगा वो दोबारा ज़रूर लेगा। और मतलब कि इसमें मुझे उतना कुछ मेहनत भी नहीं लगा। ये देखिए ये डो जैसा बन गया। जिस तरह से हम लोग बेसन की के सब्जी का मेकिंग करते हैं, मतलब बेसन में तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन मेकिंग एज इट इज ही है। ऐसे आप ये डो बनाने के बाद इसे लंबे लंबे आप रोल कर लीजिए कि हम लोग को स्टीम करने में आसानी। हम लोग इसको स्टीम कर लेंगे। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने जुगाड़ी तरीके से स्टीम कर लिया। अब एक कढ़ाई में हम लोग तेल गरम करेंगे, और फिर उसके बाद एक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये दो तीन ये लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, और हल्का ही भूनेंगे। हम लोग को ज़्यादा इसको नहीं भूनना, क्योंकि इसका बनेगा पेस्ट। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरा वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और मेहनत के बाद ही लोग चाहता है कि कुछ ना कुछ लोग रिटर्न में उसे ज़रूर देते हो। मैं तो आपसे रिटर्न में बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांग रही हूँ। तो देखिए अब जो मेरा ये जो प्याज था वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे और फिर इसे हल्के ये इसे ये तेल में हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये होगा कि इसमें एक हल्का क्रंची टेस्ट जैसा आएगा, जो कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे आपके। ये देखिए हम लोग इसको, क्योंकि ये टोटली ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन हो जाएगा तो फिर बच्चे देखेंगे कि खाऊं कि ना खाऊं, थोड़ा टेस्ट डिफर हो जाएगा। पर नहीं, आप इसे कट कर ये इसे फ्राई कर दीजिएगा तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर हम लोग एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल लेंगे और फिर जो बाकी का बचा उसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको छानने में बिल्कुल ऑयल नहीं लग रहा था, मेरे कढ़ाई में ऑयल कम था, इसीलिए मुझे और इसमें ऑयल डालना पड़ा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि मेरे यहाँ सबको ये डिश बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चापत्ता और खड़ा गरम मसाला डालने के बाद जो पेस्ट हम लोग बनाए थे प्याज को भुनने के बाद, वो इसमें डाल के अच्छी तरीके से भुनेंगे। और इसमें जितने भी पाउडर मसाले आपके पास अवेलेबल है, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा सब्जी मसाला या फिर मीट मसाला या फिर गरम मसाला, जो भी अवेलेबल आप इसमें डाल सकते हैं। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग मसाले भी इसमें मिला देंगे। मसाले मिलाने के बाद थोड़ा भुन जाएगा, फिर पानी डाल के जो हम लोग का फ्राइज था उसको डाल देंगे। अब ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। अब आप